आज के स्मैकडाउन के एपिसोड में अपने वॉइस मैन पॉल हेमन रिटर्न करते हैं और प्रोमो वॉर गजब की देखने को मिलती है लोगन पॉल और पॉल हेमन के बीच। एक तो दोनों पॉल अच्छी खासी प्रोमो वॉर थी यहाँ पर। अपने लोगन पॉल कहते हैं कि मुझे रूमर्स के ऊपर मुख के ऊपर एक तगड़ा वाला शॉट लेना है, क्योंकि लोगन पॉल बॉक्सिंग से बिलोंग करते हैं, इसलिए एक पंच मारना है रूमर्स के मुँह पर। वैसे रूमर्स हंसते हुए कहते हैं कि तुम्हें रूमर्स के मुँह पर पंच मारना है, ये बंदा अब तक सबके मुँह पर लात मार चुका है, तुम्हें उसके मुँह पर पंच मारना है। ऐसे कहते हुए सीधा लोगन पॉल कहते हैं कि मुझे अनडिस्ट्रीब्यूटेड चैंपियनशिप के लिए एक मैच चाहिए, वो भी जल्दी जल्द से जल्द, ऐसा कुछ कहते हैं। और उसके बाद पॉल हेमन कहते हैं पूरी ब्लड लाइन घेर लो इसको अभी क्या अभी, ऐसा कुछ कहते हैं। और फिर वहाँ से तरीको शेप मैट कप मो सब आते हैं और वहाँ से इनकी अलग दूसरे मैच होना शुरू हो जाता है। बात करते हैं, ऑफिशियल न्यूज़ आ चुकी है कि रोमन रेंज वर्सेज लोगन पॉल ये मैच क्राउन जूल के लिए शायद बुक हो चुका है, शायद टाइसन फ्यूरी का पत्ता कट हो चुका है। इसलिए जो इंटरव्यू हुआ था, जो सब जो ट्विटर पे सब वॉर हुई थी, ये सब क्राउन जूल के लिए सेटअप था, रोमन रेंज और लोगन पॉल का मैच। अब बात करते हैं फिन ब्रे वाइट के बारे में, इनका भी कुछ स्टेटस पक्का नहीं लग रहा, क्योंकि वो हाई डिमांड पैसा मांग रहे हैं, इसलिए इनका कुछ अभी के लिए किसी भी कंपनी को साइन नहीं किया अभी के लिए।